नमस्कार, मैं प्रिया। आज 8 अप्रैल। खबरों की तरफ बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। बिहार प्रशासनिक सेवा के 11 अधिकारियों का हुआ तबादला। राज्य में सेविका सहायिका करेंगी डोर टू डोर स्क्रीनिंग। कोरोना काल में भी बिहार में 10 लाख संपत्तियों का हुआ निबंधन। लॉकडाउन के डर से बिहार लौटने लगे हैं प्रवासी मजदूर। 30 अप्रैल तक बाहरी लोगों को पुलिस मुख्यालय में नहीं मिलेगी एंट्री। अब चले बढ़ते हैं बिहार की 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। बिहार प्रशासनिक सेवा के 11 अधिकारियों का हुआ तबादला। बिहार प्रशासनिक सेवा के 11 अधिकारियों का स्थानांतरण किया गया है। सामान्य प्रशासन विभाग ने अधिसूचना जारी कर दिया है, जिसके बाद जिन अधिकारियों का तबादला किया गया है उनमें दीवान जफर हुसैन खान, रजनीश कुमार सिंह, राजीव रंजन, शैलेश कुमार, गुलाम मुस्तफा अंसारी, सुभाष कुमार, प्रभात भूषण, वीरेंद्र कुमार, तरुण गोपाल शरण, राजीव कुमार और अविनाश कुमार का नाम शामिल है, जिसकी पूरी सूची सामान्य प्रशासन ने जारी कर दी है। खगड़िया के श्यामलाल नेशनल हाई स्कूल में आपको देखने को मिलेगा बहुत कुछ खास। 1910 में स्थापित स्कूल का नाम स्कूल के लिए जमीन देने वाले श्री श्यामलाल जी के नाम पर पड़ा। स्कूल के विद्यार्थियों और शिक्षकों का स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण योगदान रहा। स्वतंत्रता आंदोलन में हमारे वीर क्रांतिकारियों के आपस में मिलने एवं रणनीति बनाने के कई गुप्त स्थल थे, उन्हीं में से यह स्थान क्रांतिकारियों के मिलने का एक प्रमुख स्थान था। कोरोना, टीबी और बाल रोगों से निपटने के लिए राशि को मिली मंजूरी। बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने हाल ही में अपना बयान जारी किया है, जिसके तहत उन्होंने कहा है कि राज्य में शिशु स्वास्थ्य प्रतिरक्षा, टीबी और कोविड-19 की रोकथाम की दिशा में आवश्यक दस्तावेजों और उपकरणों के लिए विभाग ने लगभग 128 करोड़ रुपए की मंजूरी दे दी है। यह राशि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत प्रदान की गई है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत कोरोना इमरजेंसी रिस्पांस के लिए केंद्रांश मद की 33.12 करोड़ की राशि सहायक अनुदान के मद में और शिशु स्वास्थ्य प्रतिरक्षा और टीबी के रोकथाम की दिशा में दवा की खरीद के लिए 94.63 करोड़ की राशि राज्य स्वास्थ्य समिति को उपलब्ध कराई गई है। आपको बता दें कि कोरोना से निपटने की दिशा में विभाग पूरी मुस्तैदी के साथ जुटा हुआ है। पटना में गांधी सेतु के समानांतर 4 लेन होगा 42 महीनों में पूरा। राजधानी पटना में गंगा नदी पर बनने वाले नए 4 लेन पुल और इसके 8 लेन अप्रोच पथ का निर्माण का कार्य युद्ध स्तर पर जारी है। पिछले महीने 25 मार्च को शुरू हुए इस पुल को बनाने के लिए 42 महीने का टारगेट रखा गया है, यानी सितंबर 2024 तक गांधी सेतु के समानांतर यह 4 लेन बनकर तैयार हो जाएगा, जिसके बाद इसे आम लोगों के लिए खोल दिया जाएगा। राज्य सरकार ने इस काम का टेंडर SP सिंगला प्राइवेट लिमिटेड को दिया है, जिसके मुताबिक यह कंपनी पुल निर्माण के बाद अगले 10 सालों तक यानी कि साल 2034 तक रखरखाव का काम भी देखेगी। यह नया पुल गांधी सेतु से 38 मीटर की सेंटर टू सेंटर की दूरी पर रहेगा। इसके साथ ही इस पुल के बन जाने से उत्तर बिहार और दक्षिण बिहार के बीच आवागमन से वर्तमान में हो रही कठिनाइयों से मुक्ति मिल जाएगी। संघ लोक सेवा आयोग ने निकाले आवेदन। संघ लोक सेवा आयोग ने इंडियन इकोनॉमिक सर्विसेज एग्जामिनेशन 2021 और इंडियन स्टैटिस्टिकल सर्विसेज एग्जामिनेशन 2021 के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। जिन उम्मीदवारों को आवेदन करना है वो UPSC की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। इन पदों पर आवेदन करने की अंतिम तारीख 27 अप्रैल तय की गई है। वहीं 4 मई 2021 से पहले ऑनलाइन एप्लीकेशन के बीच आपको अपने एप्लीकेशन को वापस भी लेने का मौका मिलेगा। आपको बता दें कि इस भर्ती अभियान के तहत कुल मिलाकर 26 पदों को भरा जाएगा। इनमें से इंडियन इकोनॉमिक सर्विसेज एग्जामिनेशन 2021 के तहत 15 पद और इंडियन स्टैटिस्टिकल सर्विसेज एग्जामिनेशन 2021 के तहत 11 पद भरे जाएंगे, जिसके बाद आयोग भर्ती परीक्षा 16 जुलाई को आयोजित करेगा। बिहार में 3 रुपए तक बढ़ सकता है BSRTC के सिटी बसों का किराया। डीजल की बढ़ती कीमतों को देखते हुए राज्य में अब BSRTC ने भी अपनी बसों में किराया बढ़ाने का फैसला किया है। इसके तहत सरकारी बसों का किराया 1 से 3 रुपए तक बढ़ाए जाएंगे। BSRTC ने लॉन्ग रूट की अपनी पहले से चल रही बसों में यह वृद्धि लागू करने की अनुमति परिवहन विभाग से मांगी है। इसके तहत सिटी सेवा के बसों में अधिकतम किराया वृद्धि 3 रुपए की होगी, जो कि किसी भी मार्ग के अंतिम पॉइंट की होगी और यह 17 के बजाय अब 20 रुपए हो जाएगा। परिवहन से इजाजत मिलते ही अगले 1-2 सप्ताह के भीतर ये दरें लागू हो जाएंगी। अरवल जिला के कुर्था थाने को मिली देश के टॉप 10 थानों में जगह। राज्य के अरवल जिले के कुर्था पुलिस थाने को साल 2020 के लिए देश भर में सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशन घोषित किया गया है। देश भर के 16,000 थानों के बीच इस थाने का चयन किया गया है। बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्रालय की टीम के माध्यम से थाने की बिल्डिंग साफ सफाई, महिला पुलिस कर्मियों के लिए शौचालय, बैरक और उस क्षेत्र के पब्लिक और पुलिस के बीच के रिलेशन सहित कई अहम बिंदुओं पर छानबीन की थी, जिसमें बिहार के अरवल जिले के कुर्था थाना ने टॉप 10 में जगह बनाई है। हालांकि इससे पहले साल 2019 में बिहार के राजगीर थाना को पहला स्थान मिला था।
बंगाल चुनाव में सीएम नीतीश के बंगाल दौरे पर जारी है सस्पेंस। पश्चिम बंगाल चुनाव में भाजपा और टीएमसी में कड़ी टक्कर के बीच बिहार जदयू की टीम ने भी अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। आपको बता दें कि जदयू पश्चिम बंगाल चुनाव में 45 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। वहीं चौथे चरण का मतदान 10 अप्रैल को होने वाला है। इसी क्रम में अमित शाह, योगी आदित्यनाथ और ममता बनर्जी ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे हैं, तो वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के भी जदयू के समर्थन के लिए बंगाल जाने की संभावना जताई जा रही है। फिलहाल इस पर भी सस्पेंस बना हुआ है। हालांकि उनका कार्यक्रम फिलहाल तय नहीं हुआ है। वहीं जदयू पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव प्रभारी गुलाम रसूल बलियावी द्वारा चुनाव में बेहतर करने की बात कही गई है। 16 अप्रैल से शुरू होगा चैती छठ। आस्था का महापर्व चैती छठ पूजा 16 अप्रैल को नहाय खाय के साथ शुरू हो जाएगी। 4 दिवसीय इस पर्व का समापन उगते सूर्य को अर्घ देकर संपन्न हो जाएगा। आपको बता दें कि इस बार ग्रह गोचरों का भी शुभ संयोग बन रहा है। आपको बता दें कि साल में 2 बार लोक आस्था का पर्व छठ व्रत मनाने की परंपरा रही है, जिसमें पहला चैत मास में और दूसरा कार्तिक मास में लोक आस्था का महापर्व मनाया जाता है। चैत मास में शुक्ल चतुर्थी 16 अप्रैल शुक्रवार को नहाय खाय से आरंभ होकर 19 अप्रैल सोमवार को उगते सूर्य को अर्घ देकर संपन्न होगी। हालांकि इस बार कोरोना के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए छठ का आयोजन घाटों पर किए जाने की उम्मीद पर संशय बनी हुई है। इसको देखकर अभी किसी तरह का आदेश जारी नहीं किया गया है। राज्य के कई हिस्सों में बारिश का अलर्ट। बिहार में मौसम का मिजाज एक बार फिर से बदलने लगा है। मौसम विज्ञान केंद्र के ताजा अपडेट के मुताबिक राजधानी पटना सहित कई जिलों में अगले 24 घंटे में बारिश होने के आसार हैं। इसके तहत बढ़ते पारे में गिरावट होने की भी बात कही गई है। वहीं कुछ दिनों की बात करें तो उमस भरी गर्मी से लोग काफी ज्यादा परेशान हुए हैं। मंगलवार की सुबह से ही तापमान में बढ़ोतरी देखने को मिली, जो बुधवार को भी ऐसी ही स्थिति देखने को मिली थी। हालांकि रात में ठंडी हवाओं के बहने से लोगों को थोड़ी राहत जरूर मिली। वहीं 9 अप्रैल के दिन पटना के अलावा गया, नालंदा, शेखपुरा, बेगूसराय, लखीसराय, नवादा, कटिहार, भागलपुर, मुंगेर, बांका, खगड़िया और जमुई में तेज हवाओं के साथ बारिश होने की उम्मीद जताई गई है, जिस कारण आम और गेहूं की फसल को नुकसान पहुंचने की भी आशंका बन गई है। आईटीआई के गेस्ट इंस्ट्रक्टर को दिया गया नया सेवा विस्तार। बिहार सरकार के श्रम संसाधन विभाग द्वारा औद्योगिक प्रशिक्षण केंद्रों में संविदा पर बहाल गेस्ट इंस्ट्रक्टर्स को नया सेवा विस्तार दिया गया है। इसके तहत गेस्ट इंस्ट्रक्टर के लिए 11 महीने के लिए सेवा अवधि का विस्तार किया गया है। इसके तहत बिहार के 149 सरकारी आईटीआई के लगभग 800 गेस्ट इंस्ट्रक्टरों को इस विस्तार के होने से लाभ मिलेगा। श्रम संसाधन विभाग के मुताबिक कोविड-19 के कारण हुए लॉकडाउन के बाद 21 सितंबर 2020 से ही राज्य के सभी सरकारी आईटीआई में प्रशिक्षण कार्य हो चुका है, लेकिन संविदा पर बहाल अनुदेशकों का कार्यकाल पूरा होने पर प्रशिक्षण कार्य में दिक्कत आ रही थी, जिसके तहत विभाग ने इन आईटीआई केंद्रों में सुचारू रूप से पढ़ाई जारी रखने के लिए सेवा विस्तार दे दिया है। कोरोना काल में भी बिहार में 10 लाख संपत्तियों का हुआ निबंधन। कोरोना काल में आर्थिक रूप से सभी वर्गों को नुकसान पहुंचा, तो वहीं बिहार में इस दौरान नवंबर से मार्च तक लोगों ने जमकर संपत्ति को खरीदा है। संपत्तियों के निबंधन को लेकर निबंधन विभाग ने आंकड़े जारी कर दिए हैं, जिसके तहत 2021-22 में कुल 10,215 संपत्तियों का रजिस्ट्रेशन कराया गया है। इसके साथ ही विभाग को बीते वित्तीय वर्ष में कुल 4,257.54 करोड़ से अधिक का राजस्व मिला है, जो वित्तीय वर्ष 2019-20 में प्राप्त हुए राजस्व से 165 करोड़ कम रही है। इसके तहत दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च के महीने में सबसे ज्यादा रजिस्ट्री होने के साथ ही इस वित्तीय वर्ष के दौरान सबसे अधिक राजस्व की प्राप्ति भी इन्हीं महीनों में हुई है। राज्य में सेविका सहायिका करेंगी डोर टू डोर स्क्रीनिंग। राज्य सरकार के निर्देश पर सभी विभागों को कोरोना से निपटने के लिए जिम्मेदारियां सौंप दी गई हैं। इसके तहत समाज कल्याण विभाग ने भी कोरोना गाइडलाइन को लेकर काम करना शुरू कर दिया है। इसके तहत ही आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका लोगों को जागरूक करने के लिए स्वास्थ्य विभाग की टीम के साथ मिलकर काम करेंगी, जिसके बाद सेविका सहायिका आशा कार्यकर्ता द्वारा घर घर जाकर लोगों की स्क्रीनिंग करने के बाद रिपोर्ट भी तैयार करेंगी। इस रिपोर्ट में लाभुकों का बीमारी और यात्रा संबंधी सारे डिटेल्स मौजूद होंगे। इसके तहत डोर टू डोर स्क्रीनिंग करने के बाद अगर कोई बीमारी मिलेगी तो उसे अस्पताल में भी भर्ती किया जाएगा। इसको लेकर जल्द ही विभाग की तरफ से दिशा निर्देश जारी किया जाएगा। 30 अप्रैल तक बाहरी लोगों को पुलिस मुख्यालय में नहीं मिलेगी एंट्री। बिहार पुलिस मुख्यालय में कार्मिक एवं कल्याण विभाग ने आने वाले 30 अप्रैल तक किसी भी बाहरी व्यक्ति के पुलिस मुख्यालय में प्रवेश करने पर रोक लगा दी है। यह निर्णय कोविड-19 के संक्रमण के मद्देनजर आपदा प्रबंधन समिति के CLG की बैठक में लिया गया है। आपको बता दें कि पटना के सरदार पटेल भवन स्थित मुख्यालय में आगंतुकों के आने पर साफ मनाही रहेगी। इसके तहत कार्यालयों में कार्यरत अधिकारी कर्मी का आना जारी रहेगा। वहीं विशेष परिस्थिति में किसी बाहरी व्यक्ति अधिकारी से पास निर्गत कराकर ही प्रवेश कर सकते हैं। इस दौरान सभी अधिकारियों को मास्क का उपयोग सोशल डिस्टेंसिंग बनाकर काम करना होगा।
बिहार विधानसभा सुरक्षा के लिए अब बनाए जाएंगे वॉच टावर। बिहार विधानसभा के स्पीकर विजय कुमार सिन्हा की अध्यक्षता में बिहार विधानसभा के सदस्यों के आवास आवंटन को लेकर हाल ही में एक उच्च स्तरीय बैठक का आयोजन किया गया था। बिहार विधानसभा के स्पीकर विजय कुमार सिन्हा ने बैठक के दौरान विधानसभा की सुरक्षा व्यवस्था को पुख्ता करने के लिए स्थान की पहचान करके वॉच टावर बनाने का निर्देश दिया है। इसके अलावा सचिवालय के मुख्य भवन में स्थायी लाइटिंग का निर्देश भी जारी किया है। बैठक में विधानसभा अध्यक्ष ने 4 जनवरी 2021 को बैठक के बाद प्रगति नहीं होने को लेकर नाराजगी जताई है। इसके साथ ही उन्होंने पटना के दरोगा रायपथ स्थित विधायक आवासों को सुसज्जित करने का निर्देश दिया है। लॉकडाउन के डर से बिहार लौटने लगे हैं प्रवासी मजदूर। कोरोना की नई लहर ने प्रवासी मजदूरों को संकट में डालने का काम कर दिया है। देश में कोरोना की दूसरी लहर देखने को मिल रही है, जिसके कारण ही अब गुजरात, महाराष्ट्र और दिल्ली सहित कई राज्यों से कोरोना के खतरे को देखते हुए प्रवासी मजदूरों की वापसी अपने गृह राज्य में हो रही है। यही वजह है कि बसों और रेलवे स्टेशन पर जबरदस्त भीड़ नजर आने लगी है। इस भीड़ को देखते हुए मध्य रेलवे पुणे और मुंबई के स्टेशनों से कई अतिरिक्त आरक्षित ट्रेनें यूपी और बिहार के लिए चलाने जा रही है। हालांकि अब यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए मुंबई से पटना, दरभंगा और पुणे से दानापुर के लिए अतिरिक्त स्पेशल ट्रेन का परिचालन नियमानुसार किया जाएगा। स्मार्ट सिटी समिट 2021 का उपमुख्यमंत्री ने किया उद्घाटन। राजधानी के निजी होटल में स्मार्ट सिटी समिट 2021 कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसका विधिवत उद्घाटन बिहार के डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद, पटना के महापौर सीता साहू ने दीप प्रज्वलित कर किया। इसके साथ ही कार्यक्रम में मुख्य रूप से स्मार्ट सिटी के कार्यों में किस तरीके से तेजी लाने और जल्द से जल्द कार्य करने पर विस्तृत चर्चा की गई है। इस बाबत डिप्टी सीएम ने कहा है कि स्मार्ट सिटी योजना की कमियों और जिस वजह से कार्य धीमी गति से चल रहा था, उन सभी कमियों को दुरुस्त कर लिया गया है और अब कार्य काफी बेहतर तरीके से और तेजी से चल रहा है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का भी विजन स्पष्ट है और उसी के तहत हम सभी लगातार काम कर रहे हैं। भारत के प्रधानमंत्री का भी यह सपना है कि देश स्मार्ट बने और राजधानी पटना स्मार्ट बने। पंचायत चुनाव में उतरी लालू यादव की समधन। पंचायत चुनाव में लालू यादव की समधन अब आ गई है। बीते दिन उन्होंने अपना नामांकन दर्ज करवा दिया है। इस दौरान लालू यादव की समधन के साथ लालू यादव की बेटी और दामाद भी मौजूद थे। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें, लालू राबड़ी की समधन मृदुला यादव ने बुधवार को उत्तर प्रदेश के सैफई में पंचायत सीट में नामांकन किया है। मृदुला यादव लालू प्रसाद यादव की बेटी राजलक्ष्मी यादव की सास है। मृदुला यादव के नामांकन के दौरान राजलक्ष्मी यादव और उनके पति पूर्व सांसद तेज प्रताप सिंह यादव भी मौजूद थे। समर्थकों की भारी भीड़ के साथ उन्होंने नामांकन दाखिल किया। फेमस मुखिया ऋतु जायसवाल ने नीतीश कुमार पर साधा निशाना। राजद की महिला कमांडो और सिहवाहिनी पंचायत से मुखिया ऋतु जायसवाल ने मधुबनी मामले में ट्वीट के जरिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को आड़े हाथों लिया है। वो इस मामले में विपक्षी नेता तेजस्वी यादव के साथ ही सियासी रंग देने की कोशिश में जुटी हुई है। इसके तहत ऋतु जायसवाल ने अपने ट्विटर हैंडल पर एक तस्वीर साझा की है। पहली तस्वीर में तेजस्वी यादव पीड़ित परिवार के संग नजर आ रहे हैं, वहीं दूसरी तस्वीर में सीएम नीतीश कुमार लोजपा के इकलौते विधायक को जदयू में स्वागत कराते दिख रहे हैं। वहीं इसी के साथ उन्होंने कैप्शन में लिखा है कि किसी को समाज की चिंता थी तो किसी को अपनी कुर्सी की, सबकी अपनी अपनी प्राथमिकता होती है। भारतीय रिजर्व बैंक ने आरटीजीएस और एनईएफटी सुविधाओं का किया विस्तार। भारतीय रिजर्व बैंक ने बीते दिन डिजिटल पेमेंट कंपनियों के लिए नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर यानी कि एनईएफटी और रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट आरटीजीएस सुविधाओं का विस्तार किया है। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने बीते दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया है कि फिनटेक और पेमेंट कंपनियां भी एनईएफटी और आरटीजीएस के जरिए पैसे ट्रांसफर कर सकेंगी। अब तक केवल बैंकों को आरटीजीएस और एनईएफटी भुगतान सुविधा का उपयोग करने की अनुमति थी। आरबीआई का कहना है कि इस सुविधा को बढ़ाए जाने से फाइनेंशियल सिस्टम में सेटलमेंट रिस्क को कम करने में मदद मिलेगी, साथ ही देश में डिजिटल फाइनेंशियल सर्विसेज को बढ़ावा देने में भी मदद मिलेगी। भारत के इतिहास में आज की तारीख कई कारणों से दर्ज। भारत के इतिहास में आज की तारीख कई कारणों से मानी जाती है। प्रसिद्ध समाज सुधारक राजा राम मोहन राय 1831 में आज ही के दिन इंग्लैंड पहुंचे थे। भारत पाकिस्तान विभाजन के बाद 1950 में आज ही के दिन दोनों देशों ने अपने अपने देश में रह रहे अल्पसंख्यकों के अधिकार को सुरक्षित करने और भविष्य में दोनों देश के बीच युद्ध की संभावनाओं को खत्म करने के मकसद से समझौता किया था। कंप्यूटर इंजीनियरों ने 1959 में एक नए प्रोग्रामिंग भाषा कोबोल तैयार करने के लिए आज ही के दिन बैठक की थी। आंध्र प्रदेश और कर्नाटक की सरकार ने 2008 में सिखों को अपने राज्य में अल्पसंख्यक घोषित किया था। भारत के राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के रचयिता बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय का 1994 में उन्होंने आज ही के दिन दुनिया को अलविदा कहा था। मैक्सवेल ने यूजी को दिया धक्का। खिलाड़ियों की मस्ती आए दिन सोशल मीडिया पर देखने को मिल जाती है। इसी क्रम में हाल ही में मैक्सवेल और युजवेंद्र चहल की मस्ती वाला वीडियो भी सामने आया है। आईपीएल को लेकर प्रैक्टिस मैच की शुरुआत हो गई है। प्रैक्टिस मैच के दौरान ही मैक्सवेल ने चहल की गेंद पर जमकर रिवर्स स्वीप शॉट खेले। इंटरनेशनल लेवल पर भी इन दोनों खिलाड़ियों के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिलती है। एक समय मैक्सवेल चहल की गेंद पर विकेट गंवा दिया करते थे, लेकिन फिर उनकी जमकर धुनाई भी की है। इसके बाद से मैक्सवेल ने चहल को जकड़कर मजाकिया अंदाज में कहा, पता है ना मैं तुमको तकलीफ जाने वाला हूं, जिसके बाद उन्होंने चहल को धक्का भी दे दिया।
अब आसानी से बचाए अपने व्हाट्सएप को स्कैम से। अगर आप भी व्हाट्सएप का इस्तेमाल करते हैं तो आपको सावधान होने की जरूरत है। दुनिया भर में सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाने वाला ये मैसेजिंग ऐप अब स्कैमर्स और हैकर्स का नया टारगेट बन गया है। ये नया व्हाट्सएप घोटाला एक ओटीपी स्कैम से जुड़ा है। नए स्कैम में एक ओटीपी के जरिए आपका व्हाट्सएप अकाउंट हैक किया जा सकता है। हैक करने के लिए हैकर आपको किसी अननोन नंबर से एक मैसेज भेजेगा और आपका कोई दोस्त या रिश्तेदार होने की बात कहेगा, जिसके बाद आपसे वो मदद की मांग करेगा और आप उसकी मदद भी कर देंगे। अब आपके नंबर पर एक ओटीपी आएगा। ओटीपी शेयर करते ही आपका व्हाट्सएप अकाउंट आपके डिवाइस से लॉग आउट हो जाएगा। फ्लाइंग बोर्ड का मजा लेते लेते समुद्र में गिरी निया। निया शर्मा इन दिनों इंटरनेट पर काफी धूम मचा रही हैं। अक्सर उनके सोशल मीडिया पोस्ट सुर्खियां बटोरते रहते हैं और लोग इनका बेसब्री से इंतजार भी करते रहते हैं। इसी क्रम में निया ने हाल ही में एक रीसेंट वीडियो को शेयर किया है। इसमें वो वाटर स्पोर्ट्स का लुफ्त उठाती हैं, नजर आ रही हैं। इसके साथ ही उन्होंने मोटिवेशनल कैप्शन भी लिखा है। इस वीडियो में निया फ्लाई बोर्डिंग एंजॉय करती नजर आ रही हैं, तभी उनका बैलेंस बिगड़ जाता है और वो गिर जाती हैं। उन्होंने कैप्शन में लिखा है, असफलताओं का भी मजा लीजिए, जिसके बाद निया के फैन सोशल मीडिया पर खूब मजे भी ले रहे हैं। अब आइए जानते हैं सराफा बाजार और पेट्रोल डीजल के क्या थे भाव। अगर हम सराफा बाजार की बात करें तो सोने का भाव 7 अप्रैल को 22 कैरेट के लिए प्रति 10 ग्राम 44,300 रुपए था। वहीं 24 कैरेट के लिए प्रति 10 ग्राम 45,300 रुपए था। इसके साथ ही अगर हम चांदी की बात करें तो चांदी का भाव प्रति किलो 66,300 रुपए था। इसके साथ ही राजधानी पटना में पेट्रोल की कीमत बीते दिन 92.93 रुपए प्रति लीटर, वहीं डीजल 85.56 रुपए प्रति लीटर था। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर ने हमें कमेंट करके दिया था, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर का कमेंट हमें अच्छा लगा है उनके नाम पंकज कुमार, बबीता यादव, पीयूष राज, रोहित कुमार, शंकर मुखिया, उजाला कुमारी, ललित कुमार, अंकित राज, ऋतु कुमारी, रोहित कुमार, हिमांशु कुमार, मनीष मोहरा, अमरजीत कुमार, सिद्धार्थ कुमार, शत्रुघ्न कुमार, राजेश राजा, पंकज कुमार, निशा कुमारी, अदिति गुप्ता, मनीष कुमार, मणि, सिंधु कुमारी। इसके अलावा हमारी टीम को और भी लोगों के जवाब अच्छे लगे हैं, मगर समय के अभाव के कारण हम उनका नाम नहीं ले पाए, लेकिन आप हमारे सवालों का जवाब देते रहे, हम कल आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चले बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, इस साल खेले जाने वाले आईपीएल में आपकी पसंदीदा टीम कौन है और आप किस टीम को इस बार आईपीएल के विजेता के रूप में देखना चाहते हैं? अपने जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। अगर आप ये वीडियो हमारा यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। और अगर आप ये वीडियो हमारा फेसबुक पर देख रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।